अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मरियम। आई होप आप सब ठीक होंगे। जिन लोगों को नहीं पता कि मैं इतनी देर से वीडियो नहीं बना रही थी, क्या रीज़न था, मैं उनको बताना चाहूँगी कि अनफॉर्चुनेटली जो मेरे फादर लॉ हैं, मेरे ससुर, उनका इंतकाल हो गया था। और ये इतने अचानक से हुआ कि हम सब जो है बहुत शौक में थे, बहुत दुख में थे, इसी वजह से मैं वीडियो वगैरह बना नहीं सकी। और उस दौरान जो है आप सब के जिन जिन के मुझे मैसेजेस आए, जिन जिन लोगों ने दुआएं भेजी, आप सबका बहुत शुक्रिया, आपकी दुआओं का बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लगा उस दोपहर टाइम में आपके मैसेजेस देख के, दुआएं पढ़ के। और अभी भी मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप जो है मेरे फादर इन लॉ को, मेरे ससुर को अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह ताला उन्हें जन्नत अल-फ़िरदौस में जगह दे, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, आमीन। और अब आज की वीडियो की तरफ आते हैं। मुझे सबसे ज़्यादा जिस वीडियो की रिक्वेस्ट आती है वो यही है कि हम अपनी स्टमक की फ़ैट को किस तरह से कम करें। स्टमक की फ़ैट जो है वो बड़ी मुश्किल से कम होती है, और जो स्टमक की फ़ैट है हमारे लुक के अलावा हमारी हेल्थ के लिए भी जो है वो बहुत बुरी है। अगर हमारी स्टमक की फ़ैट होगी तो उस वजह से हमारी हेल्थ की बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं, हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ सकता है, हमें डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो सकती है, हमें हार्ट प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने लुक के साथ साथ हमारी हेल्थ के लिए भी हम हमारी स्टमक की फ़ैट को जो है वो कम करें। तो उसी के लिए मैं आज आपके साथ फ्यू टिप्स शेयर करूंगी जिसकी मदद से आप अपनी स्टमक की फैट कम कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपके साथ जिक्र करूंगी कि क्या चीज़ें आपको खानी चाहिए, क्या चीज़ें आपको नहीं खानी चाहिए, किस किस्म की आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए, एंड फ्यू अदर टिप्स जिसकी वजह से आपकी स्टमक की फ़ैट कम हो सकती है। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी कि क्या चीज़ आपको लेनी चाहिए खाने में जिसकी वजह से आप अपनी टमी की फ़ैट कम कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले मैं जिक्र करना चाहूँगी एप्पल साइडर विनेगर का। आपको पता है एप्पल साइडर विनेगर ऑलमोस्ट मैं हर वीडियो में, वेट लॉस की वीडियो में आपके साथ जिक्र करती हूँ, क्योंकि ये स्टडीज़ ने प्रूव किया है, स्टडी की गई थी और उससे पता चला है कि एप्पल साइडर विनेगर जो है वो बहुत हेल्प करता है आपकी टमी की फ़ैट को कम करने के लिए। एप्पल साइडर विनेगर किस तरह से आपने लेना है कि अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा है तो शुरू में तो मैं 3 times ही रेकमेंड करती हूँ। अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देखते हैं तो आपको पता होगा कि आपने किस तरह से लेना है। सुबह मॉर्निंग में अपने नाश्ते से 1/2 hour पहले, फिर लंच से 1/2 hour पहले, और फिर डिनर से 1/2 hour पहले। लेकिन कई लोग जो है वो घबराते हैं कि 3 times लेते हुए उन्हें होता है कि मे बी ये टू मच हो जाएगा, हमारे कोई साइड इफेक्ट नहीं हो। तो आप क्या कर सकते हैं, आप सिर्फ मॉर्निंग में भी ले सकते हैं, अपने नाश्ते से 1/2 hour पहले भी ले सकते हैं, उससे भी आपको बहुत हेल्प होगी। लेकिन अगर किसी वजह से अगर आप एप्पल साइडर विनेगर नहीं ले सकते, कोई आपको सूट नहीं करता, तो आप खाली जो है लेमन वाटर भी ले सकते हैं। लेमन वाटर किस तरह से लेना है कि सुबह मॉर्निंग में खाली पेट नाश्ते से 1/2 hour पहले आपने वार्म वाटर का ग्लास लेना है और उसके अंदर आपने एक लेमन डाल लेना है और उसको अपने नाश्ते से 1/2 hour पहले लेना है, और ये भी बहुत हेल्प करेगा आपकी स्टमक की फ़ैट को कम करने के लिए। उसके अलावा एक और चीज़ वो है ग्रीन टी। ग्रीन टी जो है वो ये तो मैंने खुद भी आजमाया है, जब मैंने रेगुलरली 3 to 4 times ग्रीन टी लेना शुरू किया था तो मुझे बहुत सारा डिफरेंस स्पेशली अपनी टमी की फ़ैट में फ़ील हुआ था। मेरी टमी की फ़ैट स्पेशली काफ़ी कम हुई थी, और ये भी प्रूवन फैक्ट भी है, साइंटिस्ट ने और ये स्टडीज़ ने प्रूव किया है कि ग्रीन टी जो है वो आपकी टमी की फ़ैट को कम करने में आपकी बहुत सारी हेल्प करती है। तो ग्रीन टी तो वैसे ओवरऑल आप खाली अपने डिनर के बाद, लंच के बाद, दिन में किसी भी टाइम 3 to 4 times ले सकते हैं, स्पेशली एक्सरसाइज से पहले भी अगर आप लेंगे तो वो भी बहुत हेल्प करेगी आपकी टमी की फ़ैट को कम करने के लिए। लेकिन एक और चीज़ जिस तरह से आप ले सकते हैं ग्रीन टी, जो कि आपकी स्पेशली टमी की फ़ैट को कम करने में बहुत मदद होगी, वो आप क्या कर सकते हैं कि कुछ जिंजर के स्लाइसेस काट के एक कप में अपने लिए डालें, उसके ऊपर अपना उबलता हुआ पानी डालें और 4 to 5 minutes उसको रहने दें ताकि वो जिंजर का फ्लेवर जो है आपके वाटर में आ जाए, और फिर 4 to 5 minutes के बाद अपना ग्रीन टी का पैक उसके अंदर डालें और फिर वही जैसे नॉर्मल ग्रीन टी बनाते हैं वैसे बना लें, और उसके अंदर अगर आप उसके बाद ग्रीन टी का बैग निकालने के बाद 1/2 lemon भी डाल देंगे तो ये बहुत ही ज़बरदस्त ड्रिंक बन जाएगा स्पेशली आपकी स्टमक की फ़ैट के लिए। तो इसको आप चाहें तो लंच के बाद ले सकते हैं, डिनर के बाद ले सकते हैं, आपके फूड को डाइजेस्ट करने में और आपकी फ़ैट बर्न करने में ये बहुत हेल्प करेगा ड्रिंक। तो ये ग्रीन टी की बात होगी। इसके अलावा फाइबर जो है वो बहुत ही अच्छा है आपकी स्टमक की फ़ैट के लिए। फाइबर से क्या होता है कि आप ज़्यादा देर के लिए फुलर रहते हैं, और अगर आप ज़्यादा देर के लिए फुलर रहेंगे तो नेचुरली जो है आप कम खाना खाएंगे, कम अनहेल्थी खानों की आपको क्रेविंग होगी। तो फाइबर फूड्स क्या है, ब्राउन पेस्टा, ब्राउन ब्रेड, फ्रूट में काफ़ी सारा फाइबर होता है, वेजिटेबल्स में काफ़ी फाइबर होता है, बीन्स में, दालों में। तो इस किस्म के खाने जो है अपनी डाइट में कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा शामिल करें।
इसके अलावा बात करते हैं एक्सरसाइज की, कि किस किस्म की एक्सरसाइज जो है वो आपकी टमी की फैट को कम करने में हेल्प करेगी। हम सबको पता है कि क्रंचेस करना, सिटअप्स करना, ये सब डेफिनेटली हेल्प करते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि हेल्प नहीं करते, लेकिन वो क्या हेल्प करते हैं कि आपकी टमी की फैट के नीचे जो है आपकी क्रंचेस की वजह से आपके मसल्स बिल्ड होते हैं, लेकिन ऊपर की फैट की लेयर जो है वो कम नहीं होती। तो फैट की लेयर कम करने के लिए आपने क्या करना है, कार्डियो एक्सरसाइज। कार्डियो एक्सरसाइज जो है बेस्ट तरीका है आपकी टमी की फैट की ऊपर की लेयर्स को कम करने के लिए। कार्डियो एक्सरसाइज के बारे में मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, जो कि आई फील वो बहुत हेल्पफुल वीडियो है आप सभी के लिए, चाहे आप वो बिगिनर हैं या आप एक्सरसाइज करते हैं। वो एक्सरसाइज आपको डेफिनेटली करनी चाहिए, उसका लिंक जो है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप देख सकते हैं, उन एक्सरसाइज को डेफिनेटली ट्राई करें। उसके अलावा कार्डियो एक्सरसाइज क्या है कि आप रनिंग, जंपिंग, स्किपिंग, स्विमिंग ये सब, या फिर आप तेज़ तेज़ भागना। कार्डियो एक्सरसाइज वही होती हैं जिसकी वजह से आपका हार्ट रेट अप हो, तो ये सब एक्सरसाइजेस जो है वो डेफिनेटली शामिल करें। एवरी डे 10 मिनट्स का भी अगर आप कर लेंगे वो भी इनफ है। एवरी डे 10 मिनट्स की कोई किसी किस्म की कार्डियो एक्सरसाइजेस डेफिनेटली करें, वो बहुत हेल्प होगी आपको, डेफिनेटली फ़र्क दिखेगा अपनी टमी के फैट में। तो ये एक्सरसाइजेस हो गए। उसके अलावा इंटरमिटेंट फास्टिंग, इंटरमिटेंट फास्टिंग भी पता है ये मतलब प्रूवन फैक्ट है, मैं काफ़ी सारी स्टडीज़ को देख के यही वीडियो आपके लिए बना रही हूँ। तो ये भी पता चला है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग भी जो है वो बहुत हेल्प करती है आपकी टमी की फैट को कम करने के लिए। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या है, किस तरह से करनी है, क्या खाना है क्या नहीं खाना, इस बारे में मैं वीडियो बना चुकी हुई हूँ, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप डेफिनेटली वो वीडियो देखिएगा और इंटरमिटेंट फास्टिंग ट्राई कीजिएगा। उसके अलावा अपनी नींद को पूरा करें। जिन जो लोग कम सोते हैं उन वो है उनका वेट जो है वो ज़्यादा दिखता है, उनको अनहेल्थी खानों की क्रेविंग होती है, तो कोशिश करें कि 7 to 8 hours की स्लीप ज़रूर लें। स्ट्रेस स्पेशली अगर आप बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ है तो वो आपकी टमी की फैट को बिल्ड करने में, ऐसे हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं जब हम स्ट्रेस लेते हैं जिसकी वजह से हमारी टमी की फैट जो है स्टोर होना शुरू हो जाती है। तो कोशिश करें कि अपनी लाइफ में, ये तो मैं कह नहीं सकती कि स्ट्रेस ले, या आई नो जिसकी लाइफ स्ट्रेसफुल है वो मुश्किल होता है अपने आप को ये कहना कि आप स्ट्रेस कम लो, लेकिन क्या कर सकते हैं कि दिन में 10 मिनट्स के लिए कोई अपनी फेवरेट बुक पढ़ लें, म्यूज़िक देख सुन लें, या अपने बच्चों के साथ स्टोरी पढ़ लें, वॉक पे चले जाएं, इस किस्म की चीज़ों से आपको हेल्प होगा आपके स्ट्रेस को कम करने में। तो यही फ्यू टिप्स हैं, अगर आप इनको फॉलो करें जो कि डिफ़िकल्ट नहीं है। इसके अलावा हाँ, मीठा खाना तो मैं ऑलमोस्ट एवरी वीडियो में आपको कहती हूँ कि हफ्ते में एक बार चीट डे रख लें, लेकिन वीक के दौरान मीठा खाना, ऑयली खाना, और हाँ एक और चीज़, सॉल्ट भी जो है वो कम कर दें अपने खानों में। कि सॉल्ट की वजह से क्या होता है, वाटर रिटेंशन होती है। आप सॉल्ट क्या करता है, आपकी बॉडी में वाटर स्टोर करता है, जिसकी वजह से हम ब्लोटेड हो जाते हैं। जब ब्लोटेड भी होते हैं तब भी हमारा जो स्टमक है वो फूला हुआ सा लगता है, बड़ा हुआ लगता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने खानों में जो है नमक कम कर दें, और जो ये सेवरी फूड्स भी होते हैं उनको भी अपनी डाइट में कम कर दें, क्योंकि वो बहुत सॉल्टी होते हैं। पानी वगैरह ज़्यादा पिएं, डिटॉक्स वाटर पिएं, फ्रूट जूसेस जो बाहर के हैं वो उनको प्लीज़ छोड़ दें, घर पे फ्रेश जूसेस पिएं। तो इन सब चीज़ों को अपनी डाइट में शामिल करें, आई एम श्योर इनसे आपको बहुत हेल्प होगी। तो आई होप आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी और यूज़फुल लगी होगी, और अगर आपको अच्छी और यूज़फुल लगी तो प्लीज़ को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अभी के लिए खुदा हाफ़िज़।